but our boss is still the boss. What? But what? अभी हम लोग भी उसी में है क्या? नहीं सर, इधर जा रहे हैं। आज हमने अपने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे जो स्कूल है अमरा स्कूल उसमें उद्घाटन करने आए थे, तो उनसे हमने एक सवाल पूछा कि भाषा आपने किस आधार पर डाला और 1932 का खतियान जो है खतियान आधारित हमारी जो स्थानीय बनेगी वो कब तक लागू होगी। उस भाषा को जब हमने पूछा तो हमारे साथ हम पूछने के लिए जब बुलाए तो हमने पूछा कि कब तक लागू होगा, तो उसके जो सिपाही जो अंगरक्षक थे उन्होंने हमें वहाँ से धक्का मुक्की करके हमें बाहर कर दिया। अब आप लोग पूछिए, अब ये जहाँ जाएंगे मंत्री जी, जहाँ जाएंगे चाहे 81 विधायक में से जहाँ जहाँ जाएंगे उनसे सवाल पूछिए कि 1932 का खतियान या हमारा स्थानीय नियोजन नीति, हमारी विस्थापन नीति कब तक लागू होगी, क्योंकि आज जितनी भी वैकेंसियाँ हैं चाहे वो JPSC हो चाहे JCC CGL हो, सबका फंसने का कारण सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नियोजन नीति है। और स्थानीय नियोजन नीति जो है वो खतियान आधारित बनना चाहिए, उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए, वहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय बनता है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, खतियान आधारित स्थानीय बनता है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, खतियान आधारित स्थानीय बनता है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ बाबा जी का ढाबा क्यों बना हुआ है? आप, हमने शुरुआत कर दिया है। आप भी अपने प्रतिनिधि से, जो आपके विधायक है जिस क्षेत्र का, जहाँ भी जाते हैं उद्घाटन करने या जहाँ भी मिलते हैं उनसे एक प्रश्न पूछिए कि खतियान कब, और भाषा जो हमारा नौ था वही नौ भाषा सुरक्षित रहना चाहिए, और हमारी जो विस्थापन नीति है, उद्योग नीति है, ये बननी चाहिए। जगन्नाथ महतो को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप हमारे आदर्श थे, हम आपको वोट दिए थे, हम आपका वोटर हैं, हम आपके कॉलेज से पढ़ के निकले हैं और आप ही से प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है आपके हाथों में है। अगर आपने ये नीति लागू नहीं किया तो आज हमारे 15 साल से आप हमारे आदर्श थे। आप जैसे भीष्म पितामह अंतिम क्षणों में कौरवों का साथ दे के अपना सारा मतलब आदर्शवादी जो व्यक्तित्व था वो खो दिए थे, उसी तरह आप भी खो देंगे। ये आपको पूरा समाज, पूरा विधान डुमरी विधानसभा क्षेत्र माफ नहीं करेगी। आप इस चीज़ को लागू कीजिए, क्योंकि इसी से इसका पूरा झारखंड के सभी बच्चों का भविष्य सुधरेगा जब स्थानीय नियोजन नीति यहाँ लागू होगा, नहीं तो सभी बच्चे यहाँ आज बेरोजगार रहेंगे। आज जितनी भी वैकेंसियाँ फंसी हुई है सिर्फ स्थानीय नियोजन नीति के कारण फंसी हुई है। यहाँ के 60% युवा जो हैं बेरोजगार हैं। हम खुद 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम होता है, हाईकोर्ट में फंस जाता है सिर्फ स्थानीय नियोजन नीति ना बनने के कारण।